दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। डिप्टी सीएम बोले, जनता केजरीवाल को मौका देना चाहती है। जंतर मंतर पर महापंचायत, दिल्ली के कई रूट पर जाम। गाजीपुर में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी किसान। सुप्रीम कोर्ट ने AIFF के प्रबंधन के लिए गठित की COA को रद्द किया। कहा, भारत में होना चाहिए अंडर 15 फीका विश्व कप। विमान में धुएं की चेतावनी के बाद इंडिगो विमान कोलकाता हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतरा। जांच के आदेश। सीरीज में लगातार तीसरी बार राहुल ने जीता टास्क, चुनी बल्लेबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत चल रही है, जिसमें 60 से अधिक संगठनों को बुलाया गया है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान सबसे अधिक हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन को परमिशन नहीं दी। बड़े एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस ने सुबह से ही सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने एक एक गाड़ी को चेक करके प्रवेश दे रही है। इससे दिल्ली की सीमाओं पर भारी जाम लगा हुआ है। सिंधु घाटी और गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत के लिए बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं। राकेश टिकैत को कल इसी महापंचायत को रोकने के लिए हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया था। लेकिन किसानों की बढ़ती तादाद को और बड़े समूह को जो कि महापंचायत के लिए वहां इकट्ठा हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, जिसको लेकर वहां बैरिकेटिंग भी लगा रखी है। बैरिकेटिंग लगाने के कारण वहां पे दिल्ली में काफ़ी जाम की स्थिति भी बनी हुई है। इस खबर पर हमारे साथ सुशांत नागपाल जुड़ चुके हैं। सुशांत, इस समय वहां की क्या स्थिति है? बिल्कुल, दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संगठन द्वारा और अन्य संगठनों द्वारा एक धरना प्रदर्शन करा जा रहा है, जो कि सरकार के खिलाफ करा जा रहा है। भारी मात्रा में लोग वहां पे तैनात हैं, पुलिस बल भी मौके पे तैनात है और धरना प्रदर्शन के लिए किसान संगठन के और अन्य संगठन के लोग भी जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। इस दौरान ही जैसा कि देखा जा सकता है, जो अन्य राज्यों के लोग जो इस धरने में जुड़ना चाह रहे थे, वो अपने राज्यों से दिल्ली आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दिल्ली के पुलिस द्वारा सारे बॉर्डरों को रद्द कर दिया गया है, सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और अन्य राज्यों से आने वाले किसान यूनियन के नेताओं को वहीं पे रोक दिया गया है। और इस कारणवश आज बॉर्डरों पे भारी जाम सुबह के टाइम दिखाई गया था, लेकिन अब यातायात अपनी तरफ से चालू हो चुका है ढंग से और लोग अपने आने जाने में सफल हो पा रहे हैं। और जैसा कि कुछ दिन पहले ही किसान यूनियन के नेता मटरू नागर द्वारा भी सब किसान यूनियन के जुड़े हुए सदस्यों को अनुरोध किया गया था कि वो भारी से भारी मात्रा में जंतर मंतर पर शामिल हों और सरकार के प्रति विरोध करें। जी, इसमें 60 से अधिक संगठनों को बुलाया गया है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान भी इसमें शामिल हो रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर, नोएडा बॉर्डर पर भी पुलिस अधिकारियों ने अपनी कमान कमर कस रखी है, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, नोएडा कमिश्नर खुद मौके पर तैनात हैं और वो वहां पहुंच चुके हैं देखने के लिए कि सारे तरीके से सारे काम सही तरीके से हो पा रहे हैं नहीं। और नोएडा कमिश्नर इस समय DND बॉर्डर, चिल्ले बॉर्डर के पास में ही हैं और यातायात में कोई समस्या ना आए इसलिए वहां पे लोगों की सहायता कर रहे हैं। और जो किसान यूनियन के नेता वहां पे धरने बैठे हुए हैं, उन्हें थोड़ा साइड में करवा के जगह बनवा रहे हैं ताकि लोग तो निकलने आने जाने में कोई समस्या ना हो। और साथ ही साथ ये दिल्ली और नोएडा के हर बॉर्डर पे आज की डेट में आज किसान यूनियन के नेता और अन्य संगठन के लोग आ चुके हैं। त्यागी संगठन के लोग भी इसमें शामिल हो चुके हैं। और जैसा कि कल राकेश टिकैत कल दिल्ली आने वाले थे, लेकिन उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन शाम को 5 बजे करीब राकेश टिकैत को भी छोड़ दिया गया था। जी सुशांत, कौन कौन से बड़े किसान नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं? जी, भारी मात्रा में किसान नेता मटरू नागर हो गए और अन्य किसान नेता भी वहां पे हिस्सा ले रहे हैं, जो आज जंतर मंतर पे मौजूद हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा पहले ही आदेश दे दिए गए थे कि जो समय से पहले 9 बजे से पहले दिल्ली के अंदर एंट्री ले लेगा वही उस पंचायत में हिस्सा ले पाएगा।
अन्य जो और राज्यों से लोग आ रहे थे जो 11-12 बजे करीब बॉर्डर पे पहुंचे, उन्हें वहीं पे रोक दिया गया था पुलिस के द्वारा। पुलिस बल मौके पे तैनात है और फोर्स भी बाकी भारी मात्रा में वहां पे है। सुशांत, क्या अभी भी आपको बड़ी संख्या में किसानों का एक बड़ा दल वहां पे आते हुए नजर आ रहा है? जी, जितने भी किसान यूनियन के सदस्य वहां पे आंतरिक किसान संगठन के, वो अब तक पहुंच चुके हैं। अब ऐसा कोई भी नया दल वहां पे नहीं आ रहा है, लेकिन सुबह ही अधिकतर व्यक्ति वहां पे पहुंच चुके थे और पुलिस द्वारा सारी चीजें मैनेज कर ली गई थी। कई लोगों को बॉर्डर पे रोक दिया गया था, लेकिन कई सदस्य पहले ही वहां पे शामिल हो चुके थे जनतंत्र मंत्र महापंचायत। सुशांत, इस खबर पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपडेट्स कंटिन्यू आप रखिएगा। गाजियाबाद में दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं की महापंचायत के बाद राकेश टिकैतवा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की खुफिया जानकारी के माध्यम से पता चला है कि किसान नेता दिल्ली की तरफ से कूच कर रहे हैं। उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने सभी बॉर्डर को बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों की चेकिंग करनी शुरू कर दी है। गोंडा के गुनार्ध लान में देवीपाटन मंडल में 4 जिले में टॉप करने वाले बच्चों के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय कुश्ती संघ अध्यक्ष व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया। वहीं बच्चों ने सांसद ब्रजभूषण सिंह का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी के पूर्व होमगार्ड मंत्री पलटू राम और बीजेपी विधायक भी शामिल हुए। गोंडा के कनेलगंज क्षेत्र में भारी संख्या में क्षेत्र पंचायत सदस्य अपनी मांगों को लेकर तहसील के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक जिस टाइम पर यह प्रदर्शन किया जा रहा था, उसी समय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील के अंदर संपूर्ण समाधान दिवस चलाया जा रहा था। पंचायत सदस्यों ने आरोप लगाए कि ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ एक बार फिर मीटिंग नहीं की गई और विकासखंड अधिकारी द्वारा उन्हें अपमानित करके वहाँ से भगा दिया गया। सर, मेरा नाम अंकित कुमार अवस्थी है, ब्लॉक अध्यक्ष कर्नलगंज बीडीसी संघ। सर, हम लोगों की मांगे हैं जो क्षेत्र पंचायत सदस्य लोगों की, जो मनरेगा जियो आया है 16 दिसंबर 2021 को और एक आया है 21 दिसंबर 2021 को, और योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है 6 मीटिंग साल में करवानी होनी चाहिए, वो भी नहीं दी जा रही है। और जब से शपथ ग्रहण हुआ है कर्नलगंज ब्लॉक में, तब से आज तक जो है कर्नलगंज में ना तो मीटिंग कराई गई है। और जब मैं बीडीओ साहब के पास जाता हूं, तब मुझे कहते हैं अरे चलो चलो चलो, तुम्हें तुम्हारे जैसे बहुत आते जाते हैं, मैंने देखा है। फिरोजाबाद में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ब्लॉक प्रमुख ने अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में ब्लॉक प्रमुख हरवंत सुरेश यादव अब घिरते नजर आ रहे हैं। मामले में पुलिस ऑडियो के आधार पर ब्लॉक प्रमुख तलाश कर रही है। बता दें कि ब्लॉक प्रमुख पर थाना जसराना में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर आईटी एक्ट के धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना जसराना में राजेश अली नामक एक व्यक्ति ने सुरेश कुमार, जो ब्लॉक प्रमुख हाथवंत है, उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन पुलिस कार्यालय में दिया था, जिसमें एक आरडीओ का जिक्र है। उसके आधार पर थाना जसराना में आज सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। प्रयागराज में नैनी क्षेत्र के महेवा में चल रहे जेआरडीएस पब्लिक स्कूल के चालक की लापरवाही से बच्चों से भरी मैजिक खेत में पलट गई, जिसके चलते हादसे में कई छात्र चोटिल हो गए। वहीं स्कूल बच्चों के मैजिक पलटने की चीख पुकार मच गई। आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने हादसे में घायल हुए बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। दीपांजलि, रूपांजलि किस गांव से है? जीरी। आपके पापा क्या नाम है? दीप। किस गांव से? जीरी। तुम्हारे पापा क्या नाम है? दीप। नाम है तुम्हारा? राज यादव। किस गांव से हो? अक्सरा। तुम्हारे पापा का? राम प्रसाद यादव। मैं छोटू तुम्हारा है? किस गांव से हो? तुम्हारे पापा क्या नाम है? मोहन। बुलंदशहर में खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान टीला के पास कलयुगी बेटे ने संपत्ति के लिए मां की निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक हत्यारे बेटे ने मां पर धारदार हथियार से वार करते हुए चेहरा भी कुचल दिया। फिलहाल
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रात लगभग 1:30 बजे एक सूचना मिली कि जो बड़ी होली चौक के पास गली में एक महिला का शव लिपटा हुआ, रस्सी से बांधा हुआ वहां मिला हुआ, जिस पे पुलिस ने मौके पे पहुंच करके शव को कब्जे में लिया और पंचायतनामा हेतु पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। इसमें कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद जो भी इसमें दोषी होगा उनके विरुद्ध। बुलंदशहर में नई मंडी चौकी क्षेत्र के गांव जसनावली रहने वाले सोनू को झूठे चोरी के आरोप के पास में लोगों ने मिलकर जमकर पिटाई कर दी और झूठा आरोप लगाते हुए पुलिस चौकी में बंद कर दिया गया। पीड़ित को पुलिस ने 4 दिन तक घायल अवस्था में चौकी में बंद करके रखा। जानकारी के मुताबिक सोनू मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। ये हमारी जो है ना शुरू से जो है कई साल से 10-15 साल हो गए जैसे हमारी चेड़ चल रही है। किससे चल रही है? पिंटू सो और वासु मुकेश सो है, हमारा कोई मतलब ना इधर 10-12 साल से, ठीक है, हमारा कनेक्शन भी है उनसे और जो है मतलब अब उन्होंने दुश्मनी निभाई के जो है हम माँ के धोरा याने थोड़ी सा नशे में आया दिवा की यहाँ खींच कर ले गए। जब उनका कैमरा चला रहा था जब खींच कर ले गए और भीतर जब मारा पीटा जब कैमरा भी और गेट भी सब बंद कर दिए हम सांस को बाहर बाल कर ऐसे छोटे हमारे 3 बालक दो लड़का और एक लड़की हैं। मेरा आदमी है नहीं विधवा हैं, मेरे पास जमीन नहीं जायदाद नहीं कुछ भी, रोज आकर ले आते हैं रोज खाते हैं जाते हैं। बेटे के साथ मारपीट किस लिए की उसके? मुकेश ने और पिंटू ने। क्या नाम है आपका? सोनू। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जसनावली कला। क्या मामला हो गया था, मारपीट किसने की है? जी पिंटू नाम है और मुकेश नाम है, पिताजी का नाम उनके का सौराज है जी। LED बल्ब किसी और ने उतारा जी, मुझे जबरदस्ती घर में बंद करके मारा है। क्यों? LED के लिए जी मुझ पर आरोप लगाया गया है झूठा। और जी क्या नाम है, 112 नंबर पर पुलिस बुला कर नहीं है, फिर मुझे 4 दिन बंद रखा है चौकी में। अब मेरी बुआ जी यही हैं, उन्होंने मुझे छुटाया। तुम्हारी कोई पुरानी रंजिश थी? जी नहीं कुछ नहीं है मेरी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।